गुड़ कोई जब साफ कर रहे होते हैं ना जो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वो एक बार देख लो तो उसके बाद में मैं होटल में काम करता था हमारे ग्रीन सैलड के नाम पे क्या होता था एक प्लेट के अंदर प्याज होगा टमाटर होगा खीरा अगर सीजन में नहीं है तो वो भी नहीं भी होगा एक हरी मिर्च में कहते हैं ग्रीन कहाँ से ग्रीन सैलड का वेजिटेरियंस बेचारे स्ट्रगल करते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और लगता है मैं कुछ नहीं खाया मैं तो कुछ खाता ही नहीं जी सो सफिश अमाउंट इज इम्पोर्टेंट डोंट ईट एनी थिंगट प्रोनाउंस मैं अंदर से शायद वेजिटेरियन हूं खाता सब कुछ हूं अंदर से वेजिटेरियन हाँ। कैसे होता हाँ। है हेलो <laughs> एवरीवन आज हमारे साथ हैं इंडियन सेलिब्रिटी शेफ एंटरप्रेन्योर और एक ऐसे टीवी पर्सनालिटी जिनकी रेसिपी वीडियोस देख-देखकर हम बड़े हुए हैं मैं बात कर रही हूँ खाना खजाना के होस्ट संजीव कपूर जी की जिनके 50 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं ये फूड फूड टीवी चैनल के सीईओ हैं और किचन प्लाइंसेस का एक बहुत ही फेमस ब्रांड वंडर शेफ भी इन्हीं का है तो इंडिया के सबसे पॉपुलर शेफ से आज हम जानेंगे कि वो क्या खाते हैं उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या होता है और शेफ़ होकर वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं सो लेट्स वेलकम संजीव कपूर जी थैंक थैंक यू यू वेरी मच मैं बताना चाहूंगी कि हम आपको देखते देखते बड़े हुए हैं <laughs> मतलब आपका खाना खजाना मम्मी ने जो रोज चला देना है और बस वो तो घर घर का का मतलब एक एक आप हमारे घर का बहुत पहले से एक हिस्सा हो गुंजन कंप्लेन कर रही हो कि मम्मी चला देते <laughs> थे, थे कंप्लेन <laughs> ये कि आपकी वीडियोस देख देख के हमारे मुंह में इतना पानी आता था और प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी वीडियोस देखती आपकी थी मगर बनाती वही थी करेक्ट ये ये वो, वो है। कभी बना नहीं तो अब जब भी अब जो भी आपकी वीडियोस होती हैं तो उसमें आप प्लीज़ एंड में ये ज़रूर कहा कीजिए कि ये बनाना भी है हाँ करेक्ट नहीं बोलता तो मैं हूँ बट वो सुनते कम मैं बट नहीं अब ये फ़ायदा हो गया कि पहले टीवी पे होता था आया और चला गया राइट तो नोट करते थे तो आधा नोट किया फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस नहीं होता बट नाउ विद अब यूट्यूब वगैरह की वजह से तो बार बार देख के अब थोड़ी थोड़ी ठीक हाँ ये तो है तो सर बींग शेफ योर सेल्फ जब आपका मैक्सिमम टाइम किचन में बीतता होगा खाने के आसपास तो आप अपनी डाइट को कैसे मैनेज करते हो आप क्या खाते हो पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक चाय के साथ आप क्या लेते हो और इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो सबसे पहले तो क्योंकि आजकल जो खाना है उससे लोगों को लगता कि वजन नहीं बढ़ना चाहिए <laughs> सबसे बड़ा आई आई थिंक दैट इज़ तो उसमें बड़ा मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है जब वज़न बढ़ जाए स्टार्ट थ्रोइंग योर वेट अराउंड ठीक हो जाता है एक्चुअली <laughs> <laughs> मैं सब कुछ खाता हूँ okay. क्योंकि ट्रैवल काफ़ी करता हूँ तो कभी uh, ज़रूरी नहीं है कि अपने हिसाब से डाइट कंट्रोल करूँ right. yeah. वैसे नॉर्मल केसेस में सब कुछ खा लेता हूँ बट पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ सो आई एम डूइंग सम वर्क ऑन इंसुलिन सो स्पाइक्स ऑफ इंसुलिन विद वेट उसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो क्योंकि शुगर से सबसे ज़्यादा होता है रिलेटेड है सो आई एम डूइंग सम वर्क तो इसलिए मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ बट अदरवाइज सब कुछ खाता हूँ बट स्टिल आपका मतलब डे स्टार्ट कैसे क्या हाँ, है तो मैं, मैं। वो वो पे ही आता हूँ लेकिन उस मैं बताना ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि खाने के अंदर अगर आप अति ना करें अति का क्या मतलब होता है कि आज तो बहुत खा लिया आज कुछ नहीं खाया बैड मॉडरेशन इज दी ये ये जो मॉडरेशन है ये रियल सेंस में मॉडरेशन लोगों को समझ नहीं आती है. Mm -hmm. मैं कहता हूँ अगर इसको समझना है कि एवरेज आजकल के उसमें एवरेज लाइफ में हम लोग जितना हमें खाना चाहिए जितना खाने की जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं एंड वी डोंट रियलाइज हम उससे बहुत mm -hmm. ज्यादा खाते हैं और वी डोंट mm रियलाइज -hmm. तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो एक काम करना शुरू करो लिखना शुरू कर दो जो सुबह से लेकर रात तक खाते हो ना mm -hmm. एक हफ्ता लिखो mm -hmm. कुछ छोड़ो मत mm -hmm. एक चम्मच में लिख दो कितना खा रहे हैं हम ही नहीं करते। चलते फिरते बड़ा लगता है मैं कुछ नहीं खाया मैं तो कुछ खाता ही नहीं जी <laughs> और हमारे पंजाब में प्रॉब्लम ही यही होती है कि मतलब प्यार सिर्फ खाने से ही आता है ज कंट्रोल अदरवाइज अगर मैं घर पर हूँ तो घर में नॉर्मल घर का सुबह सुबह उठ के आई ट्राई एंड ईट वन फ्रूट ओके टू बिगन विध पहले क्या होता था चाय पी लेते थे तो चाय से पहले अब एक फ्रूट कैन बी स्मॉल बनाना और अप्पल तो उससे शुरुआत होती है फिर चाय से चाय के साथ में बादाम और वॉलट ओके बाद आप सोक करके कर छील के, के वो उसपे भी क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक अभारी कंपनी अभी नया हमने वेंचर है हमारा प्रोवी प्रो, प्रो okay. तो उसमें सब नट्स हैं तो उस पर हमने रिसर्च करनी शुरू की कि छीलना क्यों चाहिए हुँ. क्या है सोक क्यों करना चाहिए क्या साइंस है उसकी हुँ. क्या है तो हमने कहा कि अच्छा ये सोक करना अच्छा है अच्छा पर वो फाइटिक एसिड है तो उसका क्या वो है तो अब हमने उस पर काम कर दिया है तो हमने

बहुत फेमस hmm. है उसके अलावा hmm. वैसे भी बहुत right. तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि कौन सा लेना ऐसी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कैलिफोर्निया रूल्स hmm. आप कुछ मर्जी कर दो प्रोडक्शन hmm. उनकी इतनी ज्यादा है hmm. कि सबसे वो सबसे ज्यादा वही बिकते हैं आपको वही मिले उसमें भी वेराइटीज हैं hmm. उसके अंदर भी हैं बट डोंट गो इन टू दैट बहुत बहुत ज्यादा वो मत हाँ। करो खा रहे so बादाम तो मतलब क्योंकि उसके प्रमोशन के लिए बहुत पैसे थे उन लोगों अमेरिका वालों के पास में गरीब नट भी जो होते हैं खराब नहीं होते <laughs> वो अमीर इसलिए सो है तो उसके साथ में चाय के साथ में पहले बिस्किट ये वो कुछ ना कुछ होता था वो सब so बंद कर दिया अनलेस कभी कभी वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा बैचमेट भी है देहरादून में एलोरा बेकरी वो इतनी सारी चीज़ें भेज देता हैं फिर वो खाने पड़ते हैं इतनी अच्छी होती है <laughs> रस्क भेजता है क्या क्या भेजता है वो आ, आ, बट अदरवाइज डेली रूटीन में आप हाँ, बिस्किट्स को रिप्लेस करके उसके समय नट्स नट्स, मैं थोड़ा उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो भी सिर्फ नट्स नहीं फ्रूट्स भी खाता था पर फिग एक था। मुझे पीछे पता चला कि आई एम हाईली एलर्जिक टू दैट ओके मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन रिपोर्ट में ऐसा बताया को कुछ हो गया पता नहीं मुझे ऐसे ही लगा कि, <laughs> कि वो, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे तो कुछ हुआ नहीं पर वो रिपोर्ट कह रहे ना क्या फर्क पड़ता है उसके बाद में ऑफिस टाइम पे समथिंग होम मेड नाश्ता ओके एंड देट कैन बी एनी थिंग एनी थिंग मतलब कुछ भी हो सकता है कभी इडली हो सकती है कभी पोहा हो सकता है कभी डोसा हो सकता है इट्स लार्जली दैट संडे वगैरह को कभी कुछ अंडा वगैरह होगा बट अदरवाइज लार्जली इट इज होम मेड इंडियन होम स्टाइल ओके मोस्टलीस्ट उसमें भी फिर एक आध फ्रूट पपाया वगैरह ओके okay. जब आपके घर में खोरा होता है खाना उसमें आपकी कितनी इन्वॉलमेंट होती है मतलब आप कुछ बताते हो कि नहीं ये पोहा ऐसे नहीं बनाना था hmm. ये पीनट्स को रोस्ट ऐसे करना था ये करना था कुछ होता है या नहीं अब सब आपके हिसाब से बनाते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है मतलब तो अगर मैं घर पे हूँ और सब लोग घर पे हैं तो मैं अक्सर बनाता हूँ वीकेंड्स वगैरह लाइक थ फ छुट्टी रही है आज का सेवनटीन हाँ पर मतलब ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया लंच भी मैंने बनाया था डिनर भी मैंने बनाया था तो उसके बाद में हम कल किसी को मिला क्या बात करें हाई योर शूटिंग सब <laughs> बट मैं ऐसे गलतियाँ नहीं निकालता ऐसे नहीं करता मैं खाने में गलतियाँ निकालता नहीं हूँ नॉट नॉट इवन इन रेस्टोरेंट या किसी के घर पर या कहीं उसमें क्या अच्छा है वो बताऊँगा क्या खराब है वो नहीं बताऊँगा मतलब कोई ना कोई मीटिंग होती होती है तो चलो चाय कॉफी कुछ हो गया तो कॉफी इन दी ऑफिस एंड देन लंच लंच घर से ही We are doing some अब ट्रायल में तो जो भी होगा फिर वही और मतलब जरूरी नहीं है कि लंच खाने के बाद में भी फिर वो आ जाएंगे ए, सर वो ना, वो कर रहे थे ना वो फ्रोजन फूड वाला वो सब उसका वो ट्रायल वो सब सैंपल्स हैं वो सब कर रहे हैं महीने का वो पैंतीस चीजें हैं अभी तो लंच खाए तो <laughs> लंच की जगह दे देते अदरवाइज लंच अगेन इज सेम होम स्टाइल सब्जी होगी एक दो <laughs> दाल होगी दही होगी तो नॉर्मल वीट की रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी बिकॉज़ माय मॉम इज़ इंटॉलरेंट तो हमारे घर में वीट की जगह मिलेट्स के बनते हैं ज्वार की रोटी बनती है okay. चावल की रोटी बनती है रागी hmm. फिंगर मिलेट्स नाचनी उसकी रोटी बनती है वो होगा सो so ये इस तरह के जो मिलेट्स होते हैं ये यूजुअली hmm. इनका इनका तहसील गरम होती है तो hmm. इनको क्या गर्मियों में खाना ठीक hmm. है दो रोटी hmm. मुश्किल से दो भी कर रहा हूँ तो hmm. कुछ, कुछ नहीं होने वाला उसमें जितना जहाँ आप रह रहे हो जो आस पास आपको दिख रहा है ना चीजें उग रही है सो hmm. so, it fresh फ्रेश कीप इट लोकल एज as लोकल इज बेस्ट for you regional and seasonal

बता भाई फिफ्टींथ ऑगस्ट अच्छा ब्रेकफास्ट सो माय डॉटर से जरा वो स्मोक सामन आप लेके आए थे वो पड़ा हुआ था तो मुझे पोस्ट एग ऑन ब्रियोश विद स्मोक्ड सामन माय वाइफ से नहीं आई डोंट वांट स्मोक्ड सामन आई वांट सॉसेज मैं कॉ ओके सो मैंने वो बना दिया तो मेरी डॉटर वो शेफ की डॉटर है वो भी कहती है oh,

ओके एनी रीज़न आई एन्जॉयड यू यू एन्जॉयड आई एन्जॉय देम सो मैंने देखा है कि जनरली लोगों की प्लेट में ना काब का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है मतलब राइस ज्यादा होते हैं रोटी ज्यादा होती है बट कंपैरेटिवली सब्जी का रेशियो कम होता है तो कैसे वो अपने इस मील को बैलेंस कर सकते हैं और सब्जी के पोर्शन को बढ़ा सकते हैं और काब को थोड़ा कम कर सकते हैं हाँ नहीं गलत है बिल्कुल बहुत गलत है और ये मैं हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि खाने में अच्छा दो रोटी तीन रोटी चाहे लेकिन रोटी से क्यों गिन रहे हो लाइक hmm, फॉम hmm, hmm. like क्योंकि मैं सब्जी और दाल ज़्यादा खाता हूँ सैलड ज़्यादा खाता हूँ तो कई बार ऐसे रोटी नहीं भी मैंने खाई तो मामले से अच्छा मैंने रोटी नहीं खाई <laughs> मैंने इतना <laughs> सब कुछ खा लिया आपने रोटी नहीं खाई है सो ना शीख से अच्छा नहीं नहीं पहले मैं सब्जी दाल वो uh. खत्म करती हूँ रोटी अगर नहीं भी हुई तो पहले करेक्ट है दैट दैट इज इज वे तो आई थिंक अगर दाल वगैरह चावल के साथ में दाल सफिशेंट क्वान्टिट्टी uh, है hmm. सब्जी है दही है इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन बट प्रपोशन इज इम्पॉर्टेंट प्रपोशन इज इम्पॉर्टेंट एंड आई आई थिंक द वे हमारी डाइट स्ट्रक्चर्ड है वो ठीक है उसके प्रपोर्शन हमने गलत कर दिए हैं hmm. hmm. उसके प्रपोर्शन सो so, हम... क्या प्रपोर्शन होने चाहिए राइट सो प्रपोर्शन के अंदर मैं इसीलिए कहता हूँ कि नॉर्मली कहते हैं ना एक सब्जी एक दालें दो सब्जी कर ऑटोमेटिकली hmm, right. सब्जी का पोर्शन है। अपने आप बढ़ गया राइट right? बिकॉज जब एक होती है ना तो फिर उसका अपने आप सब्जी तो मैंने ले ली अब दो सब्जियाँ एक दोनों ले ली हैं hmm. तो अपने आप उसका प्रोपोर्शन अपने आप बढ़ गया सो so, वेराइटी बढ़ाने से उसकी कंजम्पन बढ़ जाती है जिस जितनी अगर जैसे थाली है उसमें थाली में ज्यादा जैसे आप साउथ इंडियन थाली देखो चार पांच सब्जियां ऐसे दिख रही हैं जैसे में जाते हो सो आपकी कंजम्पशन उसकी बढ़ जाती है राइट और और हम वेस्ट तो नहीं करते इंडियंस नॉर्मली टिपिकली नो मैटर कितने आप पैसे कमा रहे हो आप खाना वेस्ट नहीं करते सो दैट इज़ वन ट्रिक दूसरा एक जो सैलेड है वो खाने से पहले ख़त्म कर दो थोड़ा उससे कि ये तो खाना है ना ये तो आपको खाना ही और सैलड का मतलब यही कि एक तो हमारे प्रॉब्लम है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ऐसा होता था हमने फर्स्ट रेस्टोरेंट दुबई में खोला तो हमारे यहाँ पे तब उससे पहले मैं होटल में काम करता था हमारे ग्रीन सैलड के नाम पे क्या होता था एक प्लेट के अंदर प्याज होगा टमाटर होगा खीरा अगर सीजन में नहीं है तो वो भी नहीं भी होगा एक हरी मिर्च में तो मैं कहते हैं ग्रीन कहाँ से ग्रीन, ग्रीन सैलड कहाँ से तो हमने मैं वहाँ पर एक अरेबिक रेस्टोरेंट में शुरू बहुत साल पुरानी बात है गया तो इतना सारा इतने पत्ते ये वो इतना सैलेड वो दे दिया जाते ही हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया वो दे दिया वाह वेरी नाइस सब्ज़ियाँ इतनी बढ़िया बढ़िया वो बाद में चार्ज किया उन्होंने वो रख के जाते हैं अगर आपने नहीं खाना है तो नहीं चार्ज करेंगे खाओगे तो चार्ज करेंगे <laughs> तो फिर हमने वहाँ पर जो ग्रीन सैलड रेस्टोरेंट में इंडियन रेस्टोरेंट मेड इड रियली ग्रीन फुल ऑफ ग्रीन अपने भी मतलब वो भी रखा प्याज भी रखा ये भी रखा उसमें ऑलिवस भी डाले उसके अंदर ये कुछ <laughs> भी किया इन दुबई तो आई थिंक सैलड जो है वो हमारे यहाँ पे थोड़ी आदत कम है उसको बढ़ाना बढ़ाना चाहिए पत्तियाँ पत्तियाँ इतनी अच्छी होती हैं हमारे यहाँ पे और सो मील से पहले ले लेना चाहिए ताकि फाइबर से आप फिल बे, हो बेटर 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 है उसके साथ में जो वैरायटी uh, अगर आपने बढ़ा दी सब्जियों की हुँँ. तो अपने आप उसकी कंजम्पशन uh, बढ़ जाएगी डोंट रन अवे फ्रॉम फैट फैट इन दाल एंड सब्जी इज ओके मैं बहुत फ्राइड नहीं करा ये नहीं वगैरह hmm. कि आप, आप पूड़ियाँ खा रहे हो जी सब सब तली हुई हेल्दी फैट्स हेल्दी फैट्स और नहीं सी आप hmm. पूरी तल रहे हो आप अच्छे घी के अंदर हो तो hmm. वो नहीं है बट डीप फ्राइड आपने बहुत ज्यादा उससे बल्क कर लिया देन देन इट्स अ प्रॉब्लम अदरवाइज फैट इज़ असेंशियल क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फैट को एलिमिनेट कर रहे हैं hmm. वो अच्छी चीज़ नहीं है फैट इज़ असेंशियल मैं नहीं

ओवरऑल जो चीज़ें हैं आई थिंक दो चीज़ें अदर देन का हमारे यहाँ पे सॉल्ट की कंजम्पशन सोडियम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है राइट right. वो थोड़ा सा कम करना चाहिए mm -hmm. वो बहुत ज़्यादा है सो एनी टिप्स टू रिड्यूस सोडियम क्योंकि जब तक खाने में नमक नहीं होगा तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। आदत है सो so, वो हाँ. आदत कैसे कम करना धीरे धीरे कम करना शुरू करो mm -hmm. तो खाने में थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं खाने, खाने में ही खाने में ही रिड्यूस करना है टेबल hmm. टेबल टेबल। के ऊपर नमक मत रखो। hmm, right. so keep, uh, table, हाँ, <laughs> रखो सो डोंट कीप। ऑन ही अच्छा हम जैसे फैट की बात कर रहे थे तो फैट को या फ्राइंग को कट करने के लिए जैसे आजकल एयर फ्रायर्स hmm. या इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं

वॉट पीपल डोंट रियलाइज कि अगर आपकी सेशटी नहीं है hmm. तो आपके जो एक्स्ट्रा कैलरीज आपने खा ली और आपको लग रहा है आपने सारी हेल्दी कैलोरीज खा ली सो hmm. काब्स so, जो हैं दे विल कन्वर्ट टू लिपिड्स प्रोसेस है right. हमें पता है लाइकोजेसिस hmm. हमें पता है कि लिपिड्स में किस तरह से कन्वर्ट uh, होने वाला है hmm. तो उससे बेटर है आप ऐसे हाइज एंड लोज बहुत ज्यादा मत करो

दिस इज प्रोटीन हेयर इज प्रोटीन सुपर फूड्स के बारे में आपका क्या थॉट है ये सुपर फूड बस एक फैंसी टर्म दी गई है या फिर yeah, सो yeah, yeah, तो सो so, so, आप किसी चीज़ की कंजम्पशन आपको बढ़ानी है hmm. तो अच्छी चीज़ें हैं जो कोई ऐसी चीज़ है जिसको लोग नहीं खा रहे और आपने उसको सुपर फूड दिया बहुत अच्छी बात है वेरी hmm, hmm. गुड कि अगर आप मतलब आप रागी नहीं खा रहे ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन कैल्शियम बहुत अच्छा है प्रोटीन uh, uh, भी अच्छा है अच्छा है नहीं खा रहे हैं आपने बोला सुपर फूड वेरी गुड ओके खाना शुरू कर दिया राइट right? तो अगर ऐसे कोई अच्छे नाम से बुलाने से uh, लोग खाना शुरू हो रहे हैं तो लेट देट भीट भी बट अदरवाइज दज नॉट दोन हु चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड सब एक जैसे ही होते हैं सारे जो फैट्स हैं ना सब में तीन फैटी एसिड्स होते हैं ऐसा नहीं है किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में थोड़ा किसी में कुछ अच्छा हो बट आप उसको मार्केटिंग के हिसाब से कभी क्या बात होती है कभी क्या बात होती है कभी क्या बात होती है बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग कोई बहुत ज़्यादा अगर आपकी डाइट में वैरायटी है सीजनेलिटी है लोकल आप खा रहे हैं टाइम से खा रहे हैं ठीक क्वांटिटी में खा रहे हैं इट विल बी गुड फॉर यू राइट राइट नैचुर अगर आप हाईली प्रोसेस चीजें खा रहे हैं hmm. पैकेट वाली ऐसी खा रहे हैं पीछे देख लो ऐसे लगता है बुक डोंट ईट एनी थिंगट यू कैट प्रोनाउंस बहुत बढ़िया चीजें प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते hmm. <laughs> इतने इतने लंबे नाम होते हैं हाँ <laughs> तो वैसे नहीं खाने चाहिए तो जितना अनप्रोसेस्ड है right, right, उतना बेटर right. hmm. है गन्ना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो जब चीनी बनती है ना उसको देख लो एक बार कैसे बनती है देख लो जब वो गुड़ को जब साफ कर रहे होते हैं ना जो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं hmm. वो एक बार देख लो तो उसके बाद में hmm. टॉयलेट बड़ा अच्छा साफ होता है उससे <laughs> गुड़ भी उसे सही होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यस नॉन वेजिटेरियंस के पास तो प्रोटीन के बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं लीन मीट फिश एग्स और बहुत कुछ होता है बट देन hmm. आपके हिसाब से वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स कौन से हैं कोई कोई दिक्कत नहीं है वेजिटेरियन अगर आप हैं तो हाई क्वालिटी वेजिटेरियन प्रोटीन कोई कमी नहीं है hmm. हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में hmm. हम लोग जितना प्रोटीन हमारे पास में है दालें हमारे पास में सारी हैं जितने बीन्स हैं हमारे hmm. ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन और वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सोया ही प्रोटीन होता है ये mm -hmm. जितने मतलब हम बीन्स का खा रहे होते हैं ना सब हैं मटर कितना अच्छा प्रोटीन है राजमा प्रोटीन है चना प्रोटीन है जितनी दालें हैं सारी खाई प्रोटीन है सो आई नो अच्छा कंज्यूम करते हैं ऐसे नहीं कि हम थोड़ी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम uh, करते हैं उसको आपको ऐसा लगता है कि उसकी मात्रा बढ़ानी है mm. right? पहले क्या होता था हम लोग मिस्सी रोटी बनाते थे hmm. आटे के अंदर बेसन डालते थे बेसन प्रोटीन है थे? हमारे स्नैक्स ही हाई प्रोटीन होते हैं hmm. हम तो पकौड़े भी जो बनाते हैं मैदे में नहीं बनाते हम बेसन बनाते हैं हाई प्रोटीन hmm. फ्रिटर्स होते हैं हमारे राइट सो वेजिटेरियन जो है ये नोशन है कि uh -huh. हमें आ, वो चाहिए और मतलब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आप देखो लुक एट विराट कोहली लुक एट हिज एक्सरसाइज रेजीम एंड नॉट नॉट जस्ट हिम सो मच ऑफ कॉन्टेंट ओनली ऑन वीगन प्रोटीन यू कैन यू कैन सी और इंडियन कॉन्टेक्स में एक्चुअली बहुत ईजी है बहुत ईजी बिकॉज यू गेट कम्प्लीट प्रोफाइल और हमारे बनी ऐसी है चीज़ें हैं हम लोग अगर अगर ले ब्रेकफस्ट में डोसा बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन है बाहर अगर पैनकेक बना रहे हैं तो मैदे का पैनकेक बना देंगे उसके अंदर राइट ठीक है अंडे वाला भी होता है बट हमारी तो उसमें उड़द की दाल राइट right. कोकोनट है दाल है ची हम चीले बनाते हैं मूंग की दाल का चीला ये सब वेदर इडली है नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ काप्स एंड प्रोटीन तो हमारे डाइट के अंदर वेजिटेरियंस को सोचना चाहिए हमारे वड़ियाँ बनती हैं दाल से हाई प्रोटीन है सोएक का हमारे यहाँ पे इतना वो है नगेट्स हैं उसके इतनी सारी चीज़ें सो दैट्स एन एक्सक्यूज एनी बडी इन इंडिया इफ दे हैव टू से कि hmm. जो मीट ईटर्स हैं वो जब शिफ्ट करते हैं वेजिटेरियन उसमें स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज उनको थोड़ा सा फील होता है बिकॉज एक तो माउथ फील में होता है hmm. बाकी उनकी कंजम्पशन नेचुरली उतनी नहीं है जो हम प्रोटीन जिस तरह से हम आसानी से हमारे तो डाइट में है ही है सो so, इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर दिन हर घर में दाल तो बनती ही है बिल्कुल दाल नहीं है चना है लोबिया है मटर है नहीं दाल नहीं तो आलू मटर बनेंगे जी चना बनेगा लोबिया बनेगा कुछ ना कुछ तो होगा हो ही होगा और कुछ नहीं पनीर कितना कॉमनली बन गया मैं तो उस पर सब... जा नहीं रहा अभी तो <laughs> <laughs> वहाँ तो गया नहीं अभी विच मीन सोर्सेज तो वेजिटेरियंस के पास भी बहुत हैं बट इसमें से कुछ ऐसे प्रोटीन के प्रोफाइल्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती सो देन कीपिंग दैट इन माइंड हम अपनी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट कर सकते हैं कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम एम्पल या अच्छे अमाउंट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं कंज्यूम सफिशिएंट अमाउंट दो चम्मच अगर मूंग की दाल आपने वो दो कटोरी बन सकती है दैट्स नॉट सफिशिएंट आपको अगर प्रोटीन लग रहा है कि कम है तो उसको मूंग है स्प्राउट कर लो सुबह नाश्ते में उसमें थोड़ा सा hmm. कटा हुआ प्याज नींबू चाट मसाला डाल के खाओ बोल भर के खाओ नाइस स्प्राउटेड होंगेड uh, की जैसे बात कर रहे हैं सैलड में चने को स्प्राउट करो राजमा स्प्राउट करो अलग अलग मूँग मोट सब स्प्राउट करके उसको uh, खाओ सो so, थोड़ा सा अगर स्मार्टली हम अपने खाने को वॉच करना शुरू करें तो हम सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स को पूरा हाँ रिमेंबर कि दाल हम क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लिक्विडी होती है तो उसमें जो क्वान्टिटी है वो उतनी जाती नहीं फिर कहते हम तो खाते हैं पर एक्चुअली खा नहीं रहे हो सो सफिशियंट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट

अब नेक्स्ट टाइम आप किनसे मिलना चाहेंगे जल्दी से उनका नाम कमेंट कर दीजिए मेरे फिटनेस प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते हैं अगले एपिसोड में टिल देन टेक केयर